आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। कैंपेरगंज विधानसभा क्षेत्र की सपा प्रत्याशी अभिनेत्री नेत्री कवित्री समाज सेवी चित्रकार काजल निषाद ने कहा जागरूक हो चुकी है कैंपेरगंज की जनता होना चाहती है आजाद। भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री विधायक फतेह बहादुर सिंह ने किया पलटवार कहा विधानसभा के सभी लोगों के परिवार में रहता हूं परिवार के सदस्य की तरह इसलिए हर बार जनता देती है आशीर्वाद। हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक पिस्टल एक जिंदा कारतूस दो खोखा कारतूस एक फायर बुलेट किया बरामद एसपी सिटी ने किया खुलासा। भाजपा के मीडिया सेंटर से क्षेत्र के 12 जिलों के मीडिया प्रभारी को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से किया जा रहा है जागरूक। 286 मंडल मीडिया प्रभारी के माध्यम से आम जन को सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं केंद्र व प्रदेश सरकार की योजना। बासठ विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव अभिकर्ताओं के कोषाध्यक्षों की बैठक भाजपा की चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनी थापर की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। विधानसभा चुनाव में होने वाले खर्च के लिए दिया गया विस्तृत प्रशिक्षण। गैंगस्टर एक्ट में वांछित कच्ची शराब के सरगना सहित उसके एक साथी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार भेजा जेल। विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में कालीबाड़ी मंदिर से निकाला गया मतदाता जागरूकता अभियान संत यात्रा। लोगों को 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए किया गया जागरूक। हिंदू युवा वाहिनी गोरखपुर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक हुई संपन्न। बनी रणनीति कहा हमें प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर के मतदाता सूची का गहन निरीक्षण करके प्रत्येक मतदाता से संपर्क कर उसे मतदान के लिए करना होगा प्रेरित। संस्कार भारती द्वारा भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सहित अन्य लोग उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में रविवार को पाए गए 27 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 417। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। कैंपेनगंज विधानसभा के जंगल कौड़िया क्षेत्र के गोसाईपुर उर्फ जिंदापुर पर किए जा रहे सरकारी राशन के वितरण का गोरखपुर न्यूज की टीम ने किया रियलिटी चेक। राशन लेने आए नागरिकों ने कहा महीने में 2 बार मिलता है निःशुल्क राशन दिया जाता है। प्रति कार्ड पर 1 किलो चना 1 किलो रिफाइंड 1 किलो नमक भी फ्री। और यूनिटी बैंड लाइव म्यूजिक द्वारा एस्प्रा लाइव म्यूजिक कंसर्ट का किया गया आयोजन। आयोजकों ने कहा 14 फरवरी को ओरियन मॉल में होगा फाइनल इवेंट।